क्या होगा इस टाइप का, तुम पर आधे से ज़्यादा चीज़ें बन जाएंगी और कुछ चीज़ों पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो एक बार वो सपोज कंप्लीट ज्ञान ऑफ वैसा मिल जाएगा, है ना। वैसे अधिकतर बार अपन ने क्या करा है, कॉस शीट का फॉर्मेट पूरा पूरा बनाया है, तो अपने दिमाग में पूरा ही ऑलमोस्ट याद हो गया है अपन को, है ना। टेंथ वाला बस आपके लिए होमवर्क है, एक क्वेश्चन होमवर्क है, आरटीपी का है। एक बार करना, ना बने तो आप आरटीपी डाउनलोड कर सकते हैं। सबको आता है डाउनलोड करना? ओके, आईसीआई की साइट पर जाइए, चलिए स्टार्ट करें। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ठीक है। ठीक है, नो कॉन्सेप्ट चैप्टर है, समझ रहे हो तुम, नो कॉन्सेप्ट, नो। इट्स अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग, बता रहा हूं ना क्यों, क्या बोल रहा हूं मैं, यूज्ड इन सर्विस सेक्टर लाइक। स्कूल गए हो कभी? गए तो हो गए, पर बस से नहीं गए हो? गए हो, चलो ठीक है, बस से भी गए हो, ओके। स्कूल गए हो, हॉस्पिटल भी गए होगे, ट्रांसपोर्ट लोगों का भी हो सकता है, गुड्स का भी ट्रांसपोर्ट होता है, लोगों का भी ट्रांसपोर्ट होता है ना। लाइब्रेरी गए हो कभी? एरोप्लेन पर बैठे हो? एयरप्लेन में गए हो कभी? तो सुनो यारो, क्लब, ये सारे सर्विस सेक्टर हैं, जहां पर हम गुड्स की बात नहीं कर रहे, हम बात कर पूरे की पूरी कॉस्टिंग जो भी आज तक बनने पड़ा उसमें सब गुड्स के लिए था। एकमात्र मेथड ऑफ कॉस्टिंग जो सर्विस सेक्टर में यूज होती है, एकमात्र मेथड ऑफ कॉस्टिंग जो सर्विस सेक्टर में यूज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल,
यहाँ से मुराई मोहल्ला गए हो कभी? तो अपना ये श्रीवर्धन कॉम्प्लेक्स, यहां से आपको जाना है कहां? मुराई मोहल्ला, मुरी मोहल्ला लग गया, मुराई मोहल्ला। किसी को जाना है कहां? नंदा नगर। किसी को जाना है पलासिया। सुनो ना अभी, अब पलासिया भी दो पलासिया, किसी को न्यू जाना, किसी को ओल्ड जाना। समझो बात को, आप जब भी वैन वाले से बोलते हो ना कि हमें विजयनगर जाना, या हमें उसके पहले ही छोड़ देना, उतार देना, या कहीं भी आप बोलते हो, वो आपको चार्ज आराम से बता देता है। क्या कभी ऐसा बोलता है कि यार मान लो आपने बोला यहाँ से विजयनगर, तो इन्होंने बोला विजयनगर, इन्होंने बोला कि हमें तो पलासिया पे उतार देना, तो क्या वो ऐसे होता, रुक जाओ थोड़ी सोचना पड़ेगा कितना प्राइस लेंगे हम दोनों से, ऐसा कभी बोलता है? नहीं, तुरंत बताता है, तुरंत कहीं जाने के 6, कहीं 8, कहीं 10, कहीं 12, कहीं 5, ऐसे हर जगह के रेट फिक्स हैं। ये रेट कहाँ से आए, ये रेट कहाँ से आए बताओ? अब जैसे अभिषेक तो क्या बोलेगा कि देखो तुम्हारी बहन कहाँ जा रही, बोले विजयनगर, तो मैं भी चला जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 6 लोग तो बैठे हैं ना, एक मैं बैठ जाऊंगा तो कौन सा तुम्हारा खर्चा हो जाएगा? मतलब होता है ऐसा? तो सुनो ना, काम की बात क्या है, वो डिसाइड कैसे होता कि 6 रुपये, 5 रुपये ही क्यों, 10 रुपये ही क्यों, कितनी आसानी से वो बता देते हैं। जबकि तुम सोचो कैसे डिसाइड करते हो कि यार कोई भी आया तो यार कैसे डिसाइड होगा कि इसके आने से 6 रुपये का खर्चा होगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? तो इस बात का जवाब ये चैप्टर देता है कि कैसे वो डिसाइड करते होंगे। यहां से आपको तेजगढ़ जाना है, तेजगढ़, ये मेरा गांव है यार। सपोज आपको तेजगढ़ जाना है, अब बताओ उनने फिक्स कर रखा है कि 450 रुपये लगेंगे, तो ये 450 कहां से आया? किलोमीटर के हिसाब से, कैसे किलोमीटर के हिसाब से बताओ? मैंने बोल दिया था मुझे थोड़ी पहले उतार देना, मैंने तब भी 450 लिए। ठीक है, हाँ मतलब ऐसा दुनिया भर का हिसाब टाइप का लगाना पड़ेगा ना, सीट, पैसेंजर, किलोमीटर, और पता नहीं कौन कौन से, टायर बदल गया और तभी सुनीता पहुंच गई, तभी टायर पंचर हुआ, बोले टायर पंचर और उधर सुनीता आ रही, तो टायर पंचर का पूरा खर्चा सुनीता पे चार्ज कर दे, नहीं हो सकता ना ऐसा। लिसन, तो समझो बात को बेटा, ये अजीब से प्रश्न है जिनका जवाब हमें देना है। आप लाइब्रेरी जाते हो एक जन से 250 रुपये ही क्यों, है ना, हॉस्पिटल जाते हो एक दिन रुकते हो, एक दिन का बेड का खर्चा कितना, अब होटल जाते हो अगर गए कभी गलती से तो वहाँ एक दिन का कितना चार्ज लगेगा, वो डिसाइड कैसे होता है, या केवल जो भी है आप 10 दिन रुकते हो जो भी करते हो उसका चार्ज क्या होगा, वो कैसे डिसाइड होगा? बहुत बदतमीज लड़का है यार। ओके, बिजली, ओके, सुनो बड़े आगे। तो सर ये मेथड ऑफ कॉस्टिंग है जो सर्विस सेक्टर में यूज होती है, सर्विस सेक्टर बताया आपको, अब मैं और एग्जांपल नहीं दे रहा, आप चले जाते हो गहराई में, मैं बाहर नहीं आ पाता हूँ। सुनो, अब इस बात को आपको याद है मसीना रेट पढ़ा था हमने, मसीना रेट पढ़ा था, समझ लो कि मसीना रेट ही पढ़ना है। होना क्या है, ये डिसाइड कैसे करते हैं, ये डिसाइड ऐसे करते हैं कि सपोज एक एग्जांपल देख लेते हैं, मान लीजिए ऑपरेटिंग कॉस्ट पर एनम, मान लीजिए आप एक बस चलाते हैं, ठीक है, उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट 1 साल की है ना,
वो है सपोज 12 लाख, कितनी है 12 लाख। ये 12 लाख कहाँ से आए, इसमें कौन कौन से खर्चे शामिल हैं बता देता हूँ। बस का डेप्रिसिएशन, रिपेयर मेंटेनेंस, ये टायर का पंक्चर होना और जो भी सब, ड्राइवर की सैलरी, कंडक्टर, क्लीनर, पेट्रोल, डीजल, खाना पीना अगर आप प्रोवाइड कराते हो तो जो भी आप ओवरऑल खर्चा करते हो कस्टमर के लिए, सब मिलाकर 12 लाख निकाल लिया हमने। ओवरऑल एक बस एक साल चलाएंगे तो सारे खर्चे मिलाने पर आ रहा है 12 लाख। क्लियर है बात? ओके। अब सवाल ये है कि हम किससे डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें कि हमें ये पता चल जाए कि एक कस्टमर पे कितना चार्ज करना है। कौन बताएगा? सीटों से डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय सीटें। तो एक मिनट, जिसको जवाब देना हाथ उठाएगा। हाँ, तो क्या सुबह से शाम तक चलती है? कर दूं मैं, कितने घंटे, घंटों से डिवाइड कर दूं तो क्या निकला, एक घंटे की कॉस्ट निकल जाएगी। थिंक थिंक, किलोमीटर से डिवाइड कर दूं। लो मान लो साल भर में चली 1 लाख, 1 लाख किलोमीटर चली, तो 1 किलोमीटर का खर्चा कितना आ गया, 12 रुपये। बोलो, तो एक कस्टमर में 12 रुपये चार्ज कर दें। नंबर ऑफ राउंड, चलो चलो आप सभी के बहुत भारी जवाब, कंट्रोल करो, रुक जाओ, मैं बताऊंगा, छोड़ो ना। हम डिवाइड करेंगे पैसेंजर किलोमीटर से। पैसेंजर किलोमीटर बहुत अलग है, इसे कहा जाता है कंपोजिट यूनिट। क्या कहा जाता है? कंपोजिट यूनिट, मतलब पैसेंजर एक अलग यूनिट है, किलोमीटर एक अलग यूनिट है, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या बना दिया, कंपोजिट यूनिट, पैसेंजर किलोमीटर। और पैसेंजर किलोमीटर का मतलब होता है किलोमीटर इनटू पैसेंजर। मैं समझाऊंगा कैसे अपन करते हैं इसे। जब सपोज मान लो ये आ जाता है 6 लाख रुपये, मान लो ये 6 लाख रुपये, तो यहाँ आएगा ₹2। इस 2 का मतलब पता है क्या होगा, एक पैसेंजर 1 किलोमीटर चलता है तो 2 रुपये का खर्चा आता है। वापस, एक पैसेंजर 1 किलोमीटर चलता है तो ₹2 की कॉस्ट आती है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो अब आपने कहा कि मुझे विजयनगर जाना है, उनको बताया विजयनगर 8 किलोमीटर है, तो तुम एक पैसेंजर हो, 1 किलोमीटर का हमारा खर्चा 2 रुपये है, तो इंटू 8 किलोमीटर तुम्हें जाना है, 16 रुपये ले लेंगे। तुमने बोला यहाँ से पलासिया बता देना 3 किलोमीटर, 3 × 2 = 6, 6 रुपये तुमसे ले लेंगे। समझ रहे हो, एक पैसेंजर 1 किलोमीटर चलता है तो 2 रुपये का खर्चा आता है। और सर प्रॉफिट कहाँ है? सर आपको मान लो 10% कमाना है तो 2 + 10% = 2.2। अब जो भी आए, मान लो उसने बोला, मैं जिस जहाँ भी बोला उसने, मान लो उसने बोला यहाँ से 20 किलोमीटर दूर, तो 1 किलोमीटर अगर 2.2 लेना है इंटू 20, खत्म। कितना ईजीली, बस आपको क्या आना चाहिए, पैसेंजर किलोमीटर क्या है, कैसे निकालना है ये सीखना पड़ेगा, प्लस ये 1,20,000 या 12 लाख जो भी है ये कैसे निकाला हमने, मतलब पूरे चैप्टर में केवल क्या सीखना है, न्यूमरेटर का टोटल कर लो, न्यूमरेटर मतलब सारे खर्चों का टोटल कर लो, डिवाइड बाय पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड कर दो आप, तो ये निकल जाएगा कि एक पैसेंजर 1 किलोमीटर चलता तो खर्चा कितना आता है। तो मैंने बोला था ना नो कॉन्सेप्ट चैप्टर, आपको करना क्या है, अब सिंपल बिल्कुल नॉर्मल बात करना, एक बस चलाते हो आप, खुद ही पर ऑब्जर्व कर लेना, साल भर में आपने बस चलाने में खर्चा कितना आ रहा, न्यूमरेटर हो गया, डिवाइड बाय साल भर में कितने किलोमीटर चली और कितने पैसेंजर बैठे, उसे डिवाइड कर दोगे तो निकल जाएगा एक पैसेंजर 1 किलोमीटर चलता तो क्या खर्चा आता है, बात खत्म। ऐसे केसेस अलग अलग बनते जाएंगे, मतलब पूरे चैप्टर में न्यूमरेटर निकाल रही है, जैसे आज पैसेंजर किलोमीटर है, कल के दिन कुछ और हो सकता है, कोई ट्रक चलाता होगा जिसमें माल ढोते हैं, तो वो गुड्स के ट्रांसपोर्ट में अगर ट्रक यूज होता होगा तो उस केस में भी साल भर का खर्चा निकल जाएगा, क्या उसमें वो है, और डिवाइड बाय टन किलोमीटर हो जाएगा इस बार पैसेंजर किलोमीटर की जगह। एक ट्रक 1 टन माल लेकर 1 किलोमीटर चलते हो तो कितना किराया होगा, सोचो ना, जैसे सपोज यहाँ से ट्रक दमोह डिस्ट्रिक्ट जा रहा है और आप पूछते हो यार हमें माल ले जाना कितना चार्ज लोगे, आप बोलोगे हमें
दस टन माल रखना है तो 10 टन का भी बता दे, किसी का 30 टन जा रहा है उसको ज़्यादा लगेगा, तो मतलब उसने डिसाइड करके तो रखा ही होगा ना कि 1 टन इतने किलोमीटर चलेगा तो इतना किराया लेना है। कोई बोलेगा हमारा माल बीच में ही उतारना है, तो अगर वो 1 टन का 1 किलोमीटर चलने का खर्चा डिसाइड कर ले तो काम ही खत्म हो गया ना, बार बार सोचने का काम ही नहीं। बोलो यार। तो इस टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट है जो इस चैप्टर में चलेगा, मतलब सर्विस सेक्टर वाले अपना प्राइस अपना रेट कैसे डिसाइड करते हैं ये इस चैप्टर में हमें सीखना है। ठीक बात है। अगेन जैसा मशीनदार रेट में सिखाया था, मान लो ये जो खर्चा है 12 लाख, बेटा ये 1 साल का कितने का है, 1 साल का, तो ये भी कितने साल के होंगे, 1 साल का। अगर ये खर्चा 6 महीने का है तो ये डिनोमिनेटर भी कितने का होगा, 6 महीने का। ये खर्चा 1 महीने का है तो ये भी कितने का होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा ना यार बेटा, ऐसा थोड़ी कर दोगे तुम कि 1 साल के खर्चे को 1 महीने के किलोमीटर से डिवाइड कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है। बताओ समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। ठीक है ओके। आपने ये लिख लिया था ऊपर, लिख लेना जल्दी से। तो बड़ी आसान बात होने वाली है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन टाइप का होगा, हमें सारे खर्चों को जोड़कर और किसी पर्टिकुलर चीज़ से डिवाइड करना होगा, है ना। चैप्टर बहुत अच्छा है जिनका मैथ्स अच्छा है थोड़ा सा, खैर बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकल मैथ्स नहीं लगेगा, बस ये जानना है कि खर्चा कितने समय का है उसको जोड़ना है, बस इतना करना है। बहुत छोटी सी जरा सी बात होने वाली है, कोई दम नहीं है ऐसा, है ना। पर चैप्टर हर एग्जाम में 10 नंबर का आ रहा है, लास्ट एग्जाम में आपकी किताब का बिना अमाउंट चेंज करे 10 नंबर का क्वेश्चन आया, बिना फिगर चेंज करे 10 नंबर का किताब का ही क्वेश्चन आया आपके मॉड्यूल का। ठीक है, तो जो 9 नोट्स हैं उसमें पूरा मॉड्यूल मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिया है। ठीक है, लिख लिया ओके। अब आ जाते हैं कहां पर, आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 1 पर। बिल्कुल बेसिक एग्जांपल कुछ दे रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन नहीं है, बेसिक एग्जांपल ही है, ऐसा मान के चलना। किताब के एग्जांपल रहेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, एग्जाम में भी पूछा गया ऐसा, है ना। शुरू करें, चलो, है ना, थोड़ा सा दिमाग यूज करना है, ध्यान रखना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा है पैसेंजर किलोमीटर बताओ कितने हैं, पैसेंजर किलोमीटर पूछे हैं आपसे, है ना। चलो सुनते हैं, क्वेश्चन सबके पास है, चलो सुनो। नंबर ऑफ बसेस तुम मान लो, मतलब मैं ओनर हूँ 6 बसेस का, है ना, वो 6 बस हैं और महीने में कितने दिन चलती हैं, 25 दिन। एक दिन में कितनी ट्रिप लगाती हैं, 8। ऐसे ही होता होगा, है ना। डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर एक साइड का, तो डिस्टेंस एक साइड का ही होता है। कैपेसिटी बस की 40 पैसेंजर, पर बैठते नॉर्मली कितने हैं, 80%। 80% 40 का कितना हुआ, 32। अब वो ऐसा मान लो कि 40 की कैपेसिटी है तो कभी 40 ही बैठ जाते होंगे, कभी 25 ही बैठते होंगे, कभी 20 ही बैठते होंगे, कभी 35 भी बैठते होंगे, ऑन एन एवरेज 32 बैठते हैं, नहीं ओके। अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनना बेटा, है ना, मैं जो पूछ रहा हूँ मुझे वो बताना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ किलोमीटर, कैलकुलेशन ऑफ किलोमीटर, मैं किलोमीटर निकालना सिखा रहा हूं तुम्हें, है ना, तुम जवाब देना। आप बताओ बेटा डिस्टेंस कितना है एक साइड का, 20 किलोमीटर। ये एक साइड का डिस्टेंस है, मतलब एक बस पहले 20 किलोमीटर गई होगी, है ना, फिर वापस आएगी, तो इनटू टू साइड, तो मतलब एक बस एक बार जाती है तो आने जाने का डिस्टेंस कितना हो जाता है, 40 किलोमीटर। ये तो एक बार का हो गया, दिन में ऐसा कितनी बार करती है, तो 8 ट्रिप। कोई बताएगा अब ये जो हो गया ये कितने समय का किलोमीटर हो गया, एक दिन का, एक बस 20 किलोमीटर गई आई तो एक ट्रिप में 40 किलोमीटर, ऐसी 8 ट्रिप लगाती दिन भर में, है ना ओके। इंटू 25 दिन, महीने भर का हुआ किलोमीटर, बोलो। ये तो अभी एक बस के हुए ना, ऐसी हर बस जाती होगी, इंटू 6 बस, बोलो क्या एक किलोमीटर नहीं निकल आए बेटा, कितने किलोमीटर आए, ये कहलाते हैं आपके
और आपको हर दूसरे क्वेश्चन में किलोमीटर कैलकुलेट करनी पड़ेंगे, बताओ क्यों? क्योंकि डीजल की कॉस्ट तो किलोमीटर से ही निकलेगी ना, समझ रहे हो? तो अगर आपको जानना है कि डीजल का खर्चा कितना होगा तो आप पहले ही डिसाइड कर सकते हो। आपको बताया मैंने एक बस खरीदी है, वो बस मुझे चलवानी है, तो मुझे पता है कि यार दिन भर में 8 ट्रिप लगाना है, ये सब पता है जो लिखा हुआ है, तो नॉर्मल बात है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या करना है आपको, तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि लगभग कितने किलोमीटर चलना है, गड्डी का एवरेज क्या है, डीजल का रेट क्या चल रहा है, उस हिसाब से कितना डीजल लगेगा निकल जाएगा। नहीं करना ऐसा ही, आप किताब कैसा भी करें आपको ऐसा ही इसी सिक्वेंस में लगना है, इस सिक्वेंस में गलत नहीं होगा कभी। पहले एक साइड का डिस्टेंस इंटू टू साइड तो गया 40 किलोमीटर, तो एक बार का हो गया, पहले ऐसा 8 बार करेंगे दिन में, बस आएगी जाएगी 8 बार, तो इंटू 8 एक दिन का हो गया, इंटू 25 दिन तो 25 दिन का हो गया, महीने भर का काम खत्म। अभी तो एक बस का हुआ, हमारे पास तो 6 बसें हैं, तो 6 बसें मिलाकर कितना किलोमीटर चलेंगे, 48,000 किलोमीटर। नहीं ओके, नाउ कैलकुलेशन ऑफ पैसेंजर किलोमीटर, इसे कहा जाता है कंपोजिट यूनिट। तो 48,000 किलोमीटर इनटू एवरेज पैसेंजर जो कि कितने हैं, 40% 32 पैसेंजर। इस 32 का मतलब पता है क्या हुआ, ऑन एन एवरेज हमेशा बस में 32 लोग बैठे रहते हैं, ऑन एन एवरेज हमेशा बस में 32 लोग बैठे रहते हैं, ऑन एन एवरेज हमेशा बस में 32 लोग बैठे रहते हैं, ऑन एन एवरेज बस में 32 पैसेंजर ऑलवेज बैठे रहते हैं। एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, बैठे रहते हैं, ठीक है। पर्सन बदल जाता होगा, समझ रहे हो, कभी कोई बैठा कभी कोई, लेकिन ऑन एवरेज हमेशा कितने बैठे हैं, 32। कितना आ गया मल्टीप्लाई करने पर, 15,36,000 इसे नाम देंगे पैसेंजर किलोमीटर। समझाता हूँ इसका यूज़ क्या है ना, आप रुक जाओ कंट्रोल करो लिखने पर। अब नाउ सपोज एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, नहीं मंथ की कर देता हूँ क्योंकि अपने पास मंथ के किलोमीटर है ना, ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ 6 बसेस पर मंथ इज इक्वल टू 30 लाख रुपीज 30,72,000। मतलब 6 बसों को 1 महीने चलाने का खर्चा 30,72,000 आता है, ठीक है। तो बताइए ऑपरेटिंग या सिंपल कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर कितना होगा, रुपीज 30,72,000 डिवाइड बाय 15,36,000 और लिया ही इसलिए था कि 2 आए, तुम कैलसी पे कर रहे हो जब से, इसलिए तो बोला यहाँ ध्यान दिया करूँ तो समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। तुम्हें लगता है मैं कुछ भी लूँगा पॉइंट में लाने के लिए, कठिन बनाना कि सरल बनाना है, मूर्खो, ठीक है। ये आया 2, इस 2 का मतलब पता है क्या है, 1 पैसेंजर 1 किलोमीटर चलता है तो 2 रुपये का खर्चा आता है। आपको पता है ये तो ऐसा लिखा है, नहीं तो एक और तरीका बताऊं, आप ऐसा भी कर सकते थे, देखना प्लीज़ यहाँ देखो आप, है ना, कॉन्सेप्ट को बनाने की कोशिश करो। 30,72,000 ये 1 महीने का 6 बस का खर्चा है, आप डिवाइड बाय कर दो केवल किलोमीटर से, बस किलोमीटर तो ईजी है, बताओ 1 किलोमीटर का खर्चा कितना आया, 1 किलोमीटर का खर्चा कितना आया, ₹64 आएगा, आ रहा है। मतलब हर किलोमीटर पर खर्चा कितना होता है, 64, और हर समय पैसेंजर कितने बैठते हैं, तो 1 पैसेंजर पर खर्चा कितना, 2 रुपये, बोलो। तो पर पैसेंजर कॉस्ट पर पैसेंजर क्या होगी, 64 डिवाइड बाय 32, अल्टीमेटली तो वही आया ना। लेकिन ये क्या बोलते हैं, ये इन तरीका बता दिया सिंपल, बोले आप तो पैसेंजर किलोमीटर निकाल लो सीधा इससे डिवाइड कर दो, हकीकत में तो नॉर्मल मैथ्स लग रही है। 30,72,000 खर्चा है महीने भर का 6 बसों का, और महीने भर में 48,000 किलोमीटर चले आप, तो 1 किलोमीटर का खर्चा 64, और हर समय 32 लोग बैठे रहते हैं, तो 1 का खर्चा 2 रुपये पड़ता होगा आपको, बोलो यारू। हाँ
तो सब कुछ छह ही बस का तो लिया, एक का कर लो आप तो भी यही आएगा, नहीं उससे कोई दिक्कत नहीं। आप एक बस का खर्चा लोगे तो फिर एक बस के किलोमीटर लेना, तो एक बस के पैसेंजर किलोमीटर नहीं लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ये एक महीने का है, आप इसको छः महीने में कर लो, न्यूमरेटर छः महीने का कर लो, डिनोमिनेटर छः महीने का, आंसर वही आएगा। न्यूमरेटर साल भर का, डिनोमिनेटर साल भर का, आंसर वही आएगा। एक बस का न्यूमरेटर, एक बस का डिनोमिनेटर, आंसर वही आएगा। ये तो मैथ्स है ना यार। तो भाई ये न्यूमरेटर है, ये तो बहुत लड्डू जैसा न्यूमरेटर हो गया। तुम लोग हो मूर्खो, कोई लड्डू लेकर नहीं आया। ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, अच्छा जाने दो, मैं खिलवाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। अब फिर से आने दो, संक्रांति ये नहीं ला पाएंगे, मत सोचो। इधर देखो, इधर इधर, न्यूमरेटर में पांच का मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पांच का मल्टीप्लाई कर दो, क्या फर्क पड़ता है? तो यही तो वो करते हैं। अब तुमने छह बस का, एक तो छह से मल्टीप्लाई करा होगा, यहाँ से चटा दो, यहाँ से चटा दो, बात तो वही हुई। तो मैं एक महीने का करा है, बारह महीने करना, तो यहाँ भी बारह से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी बारह से मल्टीप्लाई होगा, तो वो तो बराबर ही होगा ना, ये तो कट ही जाता है ना। बोलो, ये जो आंसर लिखवाया है लिख लो जल्दी से। बना लेते, उस दिन बनाई तो थी दाल बाटी, याद है मुझे, किसी ने हाथ नहीं लगाया था। बस अपन दो चार लोग थे, पांच छह लोग मिलेंगे, अब की बार मिलेंगे। हाँ यस, बहुत सुनाएंगे, गाना सुनाएंगे जयराल। अच्छा, और 26 जनवरी है उसके बाद, है ना। लिखो जल्दी, चार बज गए, देखो ना कितने बज गए, चार बज गए। क्या छोड़े थे इन बच्चों को दिक्कत हो जाती, कहाँ गए वो बीकॉम वाले, वो है एक ये है, हाँ वही तो यार। जल्दी करवा लिया करो यार, ताकि सब लोग अपन अच्छे से पढ़ सकें। ऐसा उनका सबका चल जाता, मैं एक्सटेंड करता हूँ तो एक क्लास छूट जाती बच्चों की, तो मतलब कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास यार, समझ रहे हो, मैं पढ़ाना चाहता हूँ। और फिर क्या है, मैं जा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि ख़त्म करा कर जाऊँ, फिर रिपेयर मेंटेनेंस तो करते रहेंगे, तुम मन में एक बार सेटिस्फेक्शन आ जाए कि चलो ये हो गया एक बार, जैसा भी लेकिन हो गया, फिर देखते क्या करना है। नहीं ऐसा तुम लोग के मन में कभी कभी आ सकता है, तो ठीक है अब उसको रिपेयर मेंटेनेंस करेंगे यार अपन। हाँ लिखना, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, छोड़ना पड़ेगा इनको, जाना है। अरे सच में यार मत करो, वैसे ही तुम्हारे तो हर सब्जेक्ट छूटे हैं, समझ रहे हो, एक हो रहा है उसे ही खराब कर दोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जब तुम्हें अकाउंट पढ़नी होगी और जीएसटी पढ़नी होगी ना, तब तुम एक ही चीज़ को थैंक्स कहोगे, चलो थैंक गॉड कॉस्ट कर लिया था पहले, समझ रहे हो, वो भी ना होता तो, समझ रहे हो, बहुत दिक्कत बन जाएगी। अभी लॉ खत्म हो रहा हो जाने दो, एक बार फिर देख लेंगे, जैसा भी होगा अपने हिसाब से अपन कर लेंगे, खत्म तो हो एक बार। तीन महीने अभी पूरे पूरे बचे हैं अपने पास, जिनका मी अटेम्प्ट है, तो वो अच्छे से कर सकते हैं। अगर ख़त्म ही एक महीने पहले हुआ तो फिर क्या करोगे तुम, सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा और छः महीने लग जाएंगे, समय ही समय मिलेगा। हाँ ये सच है ना, तो थोड़ा सा
अपन को करने हैं बस ये है, नहीं तो ये सब लोग पहली बार पढ़ रहे। अपन ने एक बार थोड़ा बहुत तो सुना है कभी कि कुछ है ऐसा कुछ। हाँ एग्जम्पशन में नहीं है माफ। अच्छा अरे कैसे बेवकूफ लड़के, 90 बोला था ना, एग्जम्पशन तो फीस माफ। तुम पूरे लोग एग्जम्पशन ले आओगे पूरी फीस चली जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर टू सुनो सुनो प्लीज यार टाइम खराब मत करो। अ लॉरी अ लॉरी स्टार्ट विद अ लोड ऑफ 24 टन, बहुत वजन है, 24 टन माल लेकर लॉरी निकल गई है ना। चलो मैं आपको पहले ही से बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर टू, ये लॉरी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, ये ए से चलेगी बी तक जाएगी, बी से चलेगी सी तक आएगी, सी से वापस ए पर आएगी। सवाल ये कि जब आना था तो गई क्यों? ओके देखो प्लीज आप ध्यान दें, मैं लॉरी बनाकर बताऊंगा आपको। यहाँ माल रखा हुआ है, ये रोड जा रही है, यहां से मूर्ति घूमती हुई। ध्यान से बातें मत करो, तुम लोग मजाक में जा रहे बेटा। 24 टन माल लेकर चली है, बी कॉम वाले गुस्से से देख रहा है यार, तुम समझ ही नहीं रहे बात को। सुनो अरे यार तुम लोग मत करो यार, वो लोग हाथ ही नहीं उठाते बस ये मान के चलो तुम फैकल्टी की तो। सुनो हाँ यस सुनो साथ में रहो, 24 टन माल लेकर सब लोग चल रहे हैं ठीक है। सुनो इसने क्या करा, मैं तुम्हें बहुत खास बता रहा, इसने क्या करा, ये आगे गई, इसने 10 टन माल अनलोड कर दिया स्टेशन बी पर। देखना 24 टन माल लेकर आई, बी पर खड़ी हो गई 24 टन माल लेकर, 10 टन अनलोड कर दिया, बताओ कितना बचा? 14 टन। तो अगर ये बी से सी पर आएगी तो 14 टन माल लेकर ही जाएगी ना अब आगे, तो ए से चली बी तक 24 टन माल लेकर, बी पर कितना छोड़ दिया? 10 टन उतार दिया, बचा कितना? 14। अब 14 लेकर आगे चलेगी, ओके आगे लिखा है एंड द रेस्ट ऑफ गुड्स एट स्टेशन सी। अच्छा बाकी का गुड्स उसने स्टेशन सी पर अनलोड किया, तो सुनना बेटा, ए से बी 24 टन, बी पर 10 टन उतार दिया तो बचा 14, 14 लेकर कहाँ इस सी पर, सी पर 14 भी उतार दिया, अब कितना है माल? 0। इसमें लिखा है इट रीचेस बैक डायरेक्टली टू स्टेशन ए, अब सी से ए पर जाएगी आफ्टर गेटिंग रीलोडेड विथ 18 टन ऑफ गुड्स एट स्टेशन सी। मतलब यहाँ इसने 18 टन का माल ले लिया है और कहाँ जा रही है? ए पर। सिंपल शब्दों में बेटा 24 टन माल लेकर ए से बी पर गई, 10 टन अनलोड कर दिया बी पर, कितना बचा? 14। 14 लेकर कहाँ इस सी पर, सी पर वो भी छोड़ दिया, फिर से 18 टन का लोड करवाया और कहाँ पहुँच गई? ए पर। क्लियर है? ओके अब उन्होंने डिस्टेंस दिया है बेटा, बोले ए से बी 270 किलोमीटर, बी से सी 150 और सी से ए 325। चलो बताना ए से बी डिस्टेंस कितना है, बी से सी और सी से, क्या इसमें किसी को डाउट है? क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया ठीक है। आपको निकालना है बेटा किलोमीटर, क्या निकालना है, कौन से वाले टन किलोमीटर है ना, जैसे अभी पैसेंजर किलोमीटर निकाली थी ना, ऐसे क्या निकालना है? टन किलोमीटर। अच्छा टन किलोमीटर क्यों निकालेंगे मैं वो भी बता दूंगा, आप वेट करो है ना। टन किलोमीटर बेटा दो तरीके से निकाले जाते हैं, आप लिखना मत। एक होता है वेटेड एवरेज, एक होता है वेटेड एवरेज, समझते हो वेटेड एवरेज, एक होता है सिंपल एवरेज। बताओ ज़्यादा सही कौन होता है? वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज ज़्यादा सही होता है ना। ओके वेटेड एवरेज को उन्होंने नाम दिया है एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, क्या नाम दिया है? एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, ये करेक्ट होते हैं, एक्यूरेसी इनमें ज़्यादा होता है। और इसको उन्होंने नाम दिया है कॉमर्शियल टन किलोमीटर,
कॉमर्शियल टन किलोमीटर, क्लियर है ये बात? ठीक है, हमें दोनों तरह के किलोमीटर निकाल के बताना है, तो सुनना। आप बताओ जब आप ए से बी पर गए तो आप 270 किलोमीटर गए कितना टन माल लेकर? 270 किलोमीटर आप गए कितना माल लेकर? 24 टन। फिर आप 150 किलोमीटर गए कितना माल लेकर? 14 टन गए थे, देख लो, चेक कर लो आप। फिर आप 325 किलोमीटर गए कितना टन माल लेकर? कितना आएगा? 10 किलोमीटर। अब पता इसमें ये एक्यूरेट तो अच्छा है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? ये क्या टाइम पास चला, कौन ध्यान रखेगा कि कब कितना माल ट्रक के ऊपर था? तो हमने बोला एक और तरीका, सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज मतलब टोटल कितने किलोमीटर चले, पूरा डिस्टेंस देखना कितना है टोटल। 270 प्लस 150 प्लस 325, इतना किलोमीटर। और कभी तो 24 टन माल लिए थी वो, कभी 14 टन, कभी 18 टन। ऑन एन एवरेज हमेशा कितना माल था उस? ऑन एन एवरेज, एवरेज क्या आएगा? 24 प्लस 14 प्लस 18 डिवाइड बाय 3 कितना? 18.6। तो यहाँ जाएगा 18.6 टन, और किलोमीटर कितने आए थे टोटल? 700। ओवरऑल कितना आया? 13,900। इसका मतलब पता है क्या हुआ? रुक जाओ। इन दोनों में तो बेटा इतना ही अंतर है, ये ज़्यादा एक्यूरेट है कम एक्यूरेट है। इसका यूज कहते हो कैसे होता है सुनना। अभी आपको पैसेंजर किलोमीटर बताया था, क्या बताया था? कि एक पैसेंजर एक किलोमीटर चलेगा तो खर्चा कितना आएगा। ऐसे ही यहाँ पर चेक करते, देखना। मान लीजिए आपका खर्चा आया 860, कुछ तो भी अभी ले लिया, हो सकता है इतना ही आ रहा हूँ। ये खर्चा है, ठीक बात है, ये खर्चा है तुम्हारे पूरी इस ट्रिप का, ए से लेकर सी तक आए ना वापस। ओवरऑल खर्चा है 28,860, और टन किलोमीटर कितना है? 14,430। ये टन किलोमीटर है, क्या है? टन किलोमीटर। बताओ कितना आया रुपीज? इस दो का मतलब क्या है? जब हम एक किलोमीटर एक टन माल लेकर चलते तो दो का खर्चा आता है। एक और तरीका है, आप पहले किलोमीटर से डिवाइड कर दो फिर टन से डिवाइड कर दो, ऐसा भी संभव हो सकता था, बोलो यार। तो जैसा पैसेंजर में था ऐसा हमें यहां भी निकालने की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि ऐसा क्यों करते पता है आपको? मान लो कल के दिन कोई बोल दे कि अभी ए से बी, बी से सी, ये तो ठीक है। मान लो कोई बोल दे कि हमें केवल 3 टन माल लेकर जाना है, और वो भी केवल 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर जाना है, कैसे बताएंगे हम कॉस्ट? हमें क्लियरली पता है ना कि एक टन माल लेकर एक किलोमीटर चलते तो खर्चा कितना आता है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, बात खत्म। तुम जितना किलोमीटर बोलोगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मैं सिंपल करूं तो पैसेंजर किलोमीटर मतलब पहले किलोमीटर निकाल लो इनटू पैसेंजर कर दो, टन किलोमीटर निकालना तो पहले किलोमीटर निकाल लो इनटू टन कर दो। एक्यूरेट चाहिए तो ऐसा तरीका अपना दो, डिस्टेंस इनटू किलोमीटर मतलब डिस्टेंस इनटू टन, डिस्टेंस इनटू टन प्लस डिस्टेंस इनटू टन। और एक और तरीका क्या है, एक साथ पूरा डिस्टेंस ले लो और ऑन एन एवरेज कितना टन माल था वो ले लो, जैसे अपन करते थे पैसेंजर में करते थे। 40 की कैपेसिटी थी, 80% बैठते थे, तो अपन ने मान लिया कि हमेशा यही रहता होगा, और क्या करें ऐसे। तो अब वो तो तुम सोचो कोई बता सकता है यार, हर 2 मिनट में पैसेंजर उतर जाता है, तो ऐसा क्यों नहीं हिसाब रख पाएगा? तो एक रफ आइडिया लगा लेते कि कितना इस टाइप से चलता है, तो आप इसे लिख लेना। हाँ, ये डायग्राम जरूर बना लेना। हाँ, वापस जाने का डिस्टेंस कहाँ से आ गया? वापस कब आए हम? ए से बी गए, बी से सी गए, सी से, तो इसमें वापस कहाँ आए हम? हम वापस थोड़ी आए होंगे, हम बार ही बार घूमते हुए आ रहे हैं। बॉम्बे टू आगरा टू दिल्ली,
ऐसा एक ट्रिप जैसे सपोज चलता है तो वो पूरा घूम कर ही आएंगे ना, ऐसा थोड़ी कि पहले बॉम्बे से दिल्ली, फिर बॉम्बे से आगरा, फिर बॉम्बे से हर बार बॉम्बे वापस कहीं को आएंगे, समझ रहे हो? तो कुछ नहीं, सिंपल बात हुई। तो टन किलोमीटर निकालने के दो तरीके हैं, एब्सोल्यूट और कॉमर्शियल, है ना? क्योंकि एग्जैक्ट नहीं पता रहता कि कब कितना रखा होगा, तो अपन ऐसा मान लें कि ऑन एन एवरेज कितना टन माल रखा रहता है, किसका? तो दिक्कत हो जाती है ना श्रेयांश, किलोमीटर तो टोटल उतने ही है ना, तो वहां एवरेज निकालने से किलोमीटर कम नहीं हो जाएंगे, टोटल किलोमीटर तो वही रहेंगे ना। हाँ वही, तो किलोमीटर तो टोटल करने ही पड़ेंगे ना तुम्हें, एवरेज निकाल के क्या करोगे तुम? टोटल किलोमीटर कितने चले वो तो उसी के हिसाब से डीजल लगेगा, उसी के हिसाब से सब कुछ लगेगा, खर्चा उतने ही किलोमीटर का तो है, एवरेज निकाल दिया तो क्या उतने किलोमीटर का खर्चा है, ये गलत हो जाएगा, है ना? तो किलोमीटर पूरे ही चाहिए, एवरेज ऑन एन एवरेज कितना माल रखा रहता है, जैसे आपको वहाँ भी किलोमीटर पूरे लिए थे, एवरेज पैसेंजर लिए थे, है ना? ऐसे अरे यार तुम लोग ना कैसे भी करके क्लासेस को टाइम पर छुड़वाओ, क्योंकि अगर गलती से मैं चला गया और एक टॉपिक भी बचा रह गया ना, तो कहने को ये हो जाएगा कि एक बचा है, और तुम बिलीव करो वो फिर वो लंबे समय के लिए फ्री हो जाता है, फिर वो टाइम नहीं होता, एक आध टॉपिक छूटता ही है फिर वो तो। नहीं, टाइम मैनेज्ड है, टाइम पर छूट जाए और टाइम पर हो जाए, जैसे तुम मुझे बुलाने जाते थे ना कि सर चलो जल्दी क्लास लेना, ऐसे सबको बुलाओ टाइम पर और छुड़वाओ टाइम पर, और स्पेशली डायरेक्ट एंट्री वाले। क्लास, हाँ वही तो यार, वही तो गड़बड़ हुई। दिक्कत कुछ नहीं, दिक्कत ये कि अपन कोर्स पर पढ़ने के लिए समय नहीं दे पा रहे, अभी शुरू हुआ है और आप बोले खत्म कर दो। तुम तो बैठे रहोगे, उनको तो जाना है ना। लिख लिया? तो आज का क्रक्स क्या है, हाउ टू कैलकुलेट पैसेंजर किलोमीटर और टन किलोमीटर। किलोमीटर निकाल लूं इनटू पैसेंजर, पैसेंजर किलोमीटर, और टन किलोमीटर मतलब किलोमीटर इनटू टन, वो दो तरीके, एब्सोल्यूट या फिर कॉमर्शियल। एब्सोल्यूट में क्या करना है, डिस्टेंस इनटू टन प्लस फिर से डिस्टेंस कितना, फिर से इनटू टन, फिर डिस्टेंस पर इनटू टन। और कॉमर्शियल में क्या करना है, सिंपल कितनी दूर चले टोटल डिस्टेंस ले लो, और एक ऑन एन एवरेज टन ले लो कितना टन माल हमेशा था, एक ही तरीका है। तो क्या करूं, छोड़ूं अभी ऐसा? कितने लोगों को ऑफिस जाना है, एक दो तीन चार, ठीक है हाथ नीचे कर लो, तुम्हारे ही हाथ में होगा यार, तुम लोग सारी क्लासेस को ऑन टाइम करवाओ, क्योंकि देखो टीचर का पढ़ाने का मन तो हमेशा ज्यादा ही होगा, ज़्यादा ही होगा तो वो लेट शुरू करेगा तो लेट तक ले जाएगा, बस टाइम पर शुरू हो जाए। तो तुम मस्ती में हो जाते हो, बेचारों का कुछ का नुकसान होता है, और ये नुकसान उनका नहीं है, ये नुकसान सबका है, क्योंकि जब मैं क्लास जल्दी छोड़ रहा हूँ तो उनका नुकसान अकेला थोड़ी हो रहा, तुम भी तो लेट हो ही रहे ना, एक घंटे और पढ़ेंगे तो चार क्वेश्चन और होंगे। हाँ तो मैं कई बार बोल चुका हूँ, अरे बात तीन की नहीं है, हर कोई अपने लिए इम्पोर्टेंट होता है, समझ रहे हो? उनके एंगल से सोचो ना। हाँ हम स्ट्रिक्टली बोल दें और वो स्ट्रिक्टली हमारी बात को सुन लें, ये तुम्हें लगता है कि ऐसा? और मैं सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ, वो तो वैसे ही कैसे हैं तुम जानते हो, हम तो इसलिए तुमसे कह रहे कि तुम छुड़वा लो, हम पे नहीं हो पाएगा। चलो जाओ, हाँ 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 ठीक है। तो जीएसटी कल से शुरू हो रहा,
जीएसटी कल से शुरू हो रहा है, सबको बताएं ये। तो नए बच्चे जिनने बाद में ज्वाइन करा है प्लीज ध्यान रखेंगे सुबह 8 बजे से, अभी नहीं बताया ना। अच्छा ऑडिट रहती है ना यार, ऑडिट के बाद पेस वाली रहती तो कैसे भी कर लो नहीं हो सकता। कोर्स कर लेंगे फिर यहाँ आएंगे तो फिर कॉमेडी करेंगे तीनों लोग मिलकर, कोर्स ही कर लेंगे और क्या कर लेंगे।